दुनिया में तरह तरह के देश हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब हैं। ऐसे कई देश हैं जहां पर लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आज हम आपको 5 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां के लोग अनहेल्दी हैं। अनहेल्दी शब्द क्यों इन देशों के लिए इस्तेमाल किया गया, इसकी एक वजह है ज्यादा प्रदूषण, घटिया हेल्थ केयर सिस्टम, पीने का साफ पानी न मिलना, बाल शिशु मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं की मौत, ज्यादा मौतें हो जाना आदि के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है कि वो देश हेल्दी है या अनहेल्दी है। दरअसल ये रिपोर्ट का सोर्स है याहू फाइनेंस वेबसाइट। उसमें छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कई ऐसे देश हैं जो कि अनहेल्दी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, मोटापा ज्यादा होता है, शराब वहाँ के लोग ज्यादा पीते हैं, सिगरेट का धुआं ज्यादा उड़ाया जाता है, सरकारें स्वास्थ्य और लोगों की देखभाल पर बिल्कुल खर्चा नहीं करती हैं, कम उम्र में मौतें हो जाती हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे है स्लोवाकिया। यहाँ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर वाले काफी मरीज पाए जाते हैं। इसके साथ ही स्मोकिंग बड़ी संख्या में वहाँ के लोग करते हैं। स्लोवाकिया में 2017 के बाद से मौतों का ये सबसे बड़ा कारण है। यहाँ 15 वर्ष की अधिक उम्र के लोग धूम्रपान करने लग जाते हैं। कुल जनसंख्या में से करीब 30% लोग धूम्रपान करते हैं और हेल्थ सिस्टम इनका लाचार है। 4th नंबर पे है हंगरी, जहाँ 26.4% आबादी जरूरत से ज्यादा मोटी है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ होने वाली कुल मौतों में करीब 16% अधिक मोटापे के कारण होती है। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से मौतें होती हैं। स्लोवाकिया की ही तरह लिथुएनिया के निवासी अपने खाने पीने और धूम्रपान की आदतों के कारण अस्वस्थ हैं। यहाँ के 26.3% निवासी सामान्य से अधिक वजनीले हैं। यहाँ 15 साल के होते ही बच्चे शराब पीने लगते हैं। औसतन हर व्यक्ति साल में 15 लीटर शराब पी जाता है। ज्यादा तंबाकू वाले प्रोडक्ट यूज करने के कारण यहाँ लोगों की मौत हो जाती है। इंडोनेशिया में हेल्थ केयर जरूरत के मुताबिक नहीं है, इसलिए कई बार यहाँ जब भी लोग बीमार होते हैं जरूरत के मुताबिक उन्हें इलाज नहीं मिल पाता और कई बार उनकी मौत हो जाती है। इंडोनेशिया को सबसे ज्यादा धूम्रपान करने वाले देशों में टॉप पर जगह दी गई है। दुनिया भर में नाइजीरिया सबसे अनहेल्दी देशों में से एक है। यहाँ सबसे अधिक मृत्यु दर है। इस देश में शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। 2015-17 के बीच 9.1% बच्चों की 5 वर्ष होने से पहले ही मौत हो गई। नाइजीरिया अभी भी 5 सबसे घातक बीमारियों से जूझ रहा है। यहाँ मलेरिया, सांस की बीमारी, बच्चों की बीमारी, मेनिनजाइटिस और तपेदिक के कारण यहाँ सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। तो ये थे वो 5 सबसे ज्यादा अनहेल्दी देश। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी।